गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक और पेज आ चुका है। यहाँ पर अबाउट मी, एक्चुअली अबाउट मी का पेज नहीं है, ये माय वर्क वाला पेज है। और यहाँ पर देखिए, नीचे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिकमेंडेड वाला सेम सेक्शन है, यहाँ पर बुक नाउ सेम सेक्शन है, फूटर भी सेम है। सिर्फ चेंज जो है ना, यहाँ पर ऊपर चेंज है अबाउट वाले सेक्शन में, तो बस यही सेक्शन हमें यहाँ पर बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे धीरे धीरे आगे। और कॉन्टैक्ट का जैसा पेज आता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा बाद में। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ये वाला सेक्शन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो इंडेक्स होम पेज जो बनाया था हम लोगों ने वो ये है। इसको मैं राइट क्लिक करके थोड़ा ओपन करके दिखा रहा हूँ पहले। तो देखिए, हमारा होम पेज रेडी है। और इसमें जो है ना, यहाँ पर देखिए, उन लोगों ने ये जो नेविगेशन है इसका एक लिंक उन लोगों ने निकाल दिया है। तो हम लोग भी यहाँ से इसको निकाल देंगे। अबाउट मी की जो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं हेडर में जाता हूँ, मेरे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के हेडर में। और यहाँ पर देखिए, अबाउट मी जो है निकाल देता हूँ, तो ये निकल जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए, नीचे जो है यहाँ पर ये स्पेसिंग देना मैं भूल गया था, वो एक स्पेसिंग दे देते हैं। चलो, इसको भी मैं फूटर में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो फुटर में चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, लेटेस्ट के अंदर देखिए ये वाला रो है और ये वाला रो है, तो दो रो है। तो ये वाले रो को मैं मार्जिन बॉटम 3 दे सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए, इस वजह से ये स्पेसिंग यहाँ पर दिखाई देगी। मैं मोबाइल में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप 320 करते हो तो देखिए यहाँ पे कहाँ पर गया, ये स्पेस दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वो वाला जो सेक्शन है, मतलब दूसरा जो पेज है, वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं वैसे रहने देता हूँ। और इसके लिए देखिए, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, मतलब इसी की कॉपी निकालता हूँ, ताकि मुझे बार बार सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ माई वर्क डॉट एच टी एम एल, और इसके अंदर ये हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, माई वर्क डॉट एच टी एम एल। देखिए, सब कुछ मुझे रेडी मिल गया, मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, मुझे हेडर तो वैसे ही चाहिए। हेडर में मुझे क्यों चाहिए, मैं अभी समझाता हूँ। पहले ये बाकी सारी चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ। देखिए, सर्विसेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, रिकमेंडेड मुझे चाहिए, टेस्टीमोनियल मुझे नहीं चाहिए, बुक नाउ चाहिए और फुटर चाहिए। ओके, तो टेस्टीमोनियल हम लोग पहले निकाल लेते हैं। इसके बाद सर्विसेज की भी मुझे ज़रूरत अभी तो नहीं है, इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। मैंने सेव किया और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पर देखिए, माई वर्क डॉट एच टी एम एल है और यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हेडर है ना, ये कुछ इस तरह है आपका होम पेज का, और इसी को हमें रिप्लेस करना है हमारे अबाउट वाले सेक्शन से। ओके, तो देखिए, सब कुछ रेडी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं अलग से, मुझे सिर्फ अबाउट वाला सेक्शन यहाँ पर जो भी करना है अभी चेंज करना है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इमेज जो है ना, ये बैकग्राउंड वाली मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाल के रखी है। इमेजेस के अंदर देखिए, हमारी अबाउट हाइफिन बीजी ये इमेज है, और एच टी एम एल में से इसको ओपेसिटी लगा देंगे, ट्रांसपेरेंसी लगा देंगे। तो चलिए, वो शुरू कर लेते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर हेडर के अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा जगह, ये जो पूरा है, ये जो भी हमने लिखा है, इसमें मेरा पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव मेनू है। बराबर, ये जो रो है इसके अंदर पूरा मेरा रिस्पॉन्सिव मेनू है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये मोबाइल में भी मेरा मेनू आने वाला है, वो सब कुछ रेडी करके रखा है, मुझे अलग से फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा भी, यहाँ पर देखिए, ये जो स्लाइड वाला सेक्शन है, इसकी भी मुझे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, जितनी कोशिश करिए आप कम सी एस एस लिखेंगे, उतना आपको ईजी जाएगा, आपका काम ईजी पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे करते हैं, तो वो अभी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैं कह रहा था, पहले हम लोग इसको मोबाइल में लेके आते हैं। 320 पे लेके आ रहा हूँ मैं, और 125 रख देता हूँ। तो ये आपका मोबाइल है, लेकिन माई वर्क डॉट एच टी एम एल है। यहाँ पर आपको इमेज रिप्लेस करनी है और ये सारी चीज़ें डाल देनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इमेज डाल देंगे। ठीक है, तो अब इमेज डालने के लिए देखिए, मेन सी एस एस में आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हेडर लिखा है, करेक्ट। ये जो आपकी एच टी एम एल है आपका, ये हेडर वाला एच टी एम एल है, और इसी के अंदर ये सब कुछ है। और हेडर को बैकग्राउंड है जो होम पेज पे अप्लाई हो रहा है, ये होम पेज है और ये माई वर्क डॉट एच टी एम एल है। तो अभी ये मुझे करना क्या क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो इमेज है ना, यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है। लेकिन देखिए, अगर मैं ये करता हूँ, सेव करता हूँ, तो इमेज देखिए आ जाती है, लेकिन मेरे होम पेज पे भी इसको इफेक्ट पड़ता है और होम पेज भी चेंज होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए
यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको एक क्लास लगाना है माई वर्क नाम से, जो भी आपको क्लास चाहिए वो हिसाब से आप लगा दो। तो मैंने माई वर्क लगा दिया, और मैं क्या करूँगा, ये सेम चीज़ मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ना माई वर्क लिख दूंगा। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने हेडर सेम लिखा है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने हेडर क्लास लिखा है और नीचे फिर से आप हेडर लिख रहे हो, और फिर से आप उसकी इमेज अगर चेंज कर रहे हो। देखिए पहली इमेज क्या थी, स्लाइडर समथिंग वन थी ना, ये स्लाइडर वन डॉट जेपीजी, और बाद में आप फिर से हेडर लिख रहे हो और यहाँ पर अबाउट बीजी डॉट जेपीजी लिख रहे हो, तो हमेशा ध्यान में रखना है ये नीचे वाला क्लास अप्लाई होगा आपका, मतलब ये नीचे जो क्लास हेडर है ना वही अप्लाई होगा। तो ये पहली चीज़ ध्यान में रखनी है। ये स्पेसिफिसिटी के रूल्स है, तो वो स्पेसिफिसिटी वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखिए अगर आपने सेम क्लास लगाया है और नीचे भी सेम क्लास लगाया है, ऊपर भी हेडर नीचे भी हेडर, और नीचे आप अगर इमेज चेंज कर रहे हो तो नीचे वाली इमेज आपको अप्लाई करके देगा, ये पहली चीज़ ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है, और देखिए होम पेज में भी चेंज हो रही है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे होम पेज में उसकी इमेज वैसे ही रहने देने चाहिए, और यहाँ पर मैं मेरी इमेज डाल दूंगा माई वर्क डॉट एच टी एम एल के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए क्लास लगाया है, और यहाँ पर ये क्लास मैं डाल दूंगा, सेव करता हूँ अभी मैं, और अभी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए माई वर्क में बराबर दिख रहा है, और देखिए होम पेज में भी बराबर दिख रहा है, मतलब होम वाली होम की ले रहा है और माई वर्क में माई वर्क की ले रहा है। तो ये हो क्या रहा है, सिंपली देखिए हेडर पहले ले रहा है और दूसरे लाइन पे माई वर्क लिखा है, इसीलिए माई वर्क अपनी इमेज ले रहा है। ओके इतना क्लियर है। अब देखिए हाइट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हाइट है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, राइट। अब ओपेसिटी वाला काम करेंगे, तो ओपेसिटी के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए सेम चीज़ है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग ओपेसिटी के लिए, यहाँ पर ओपेसिटी लगा सकते हैं। अब देखिए फिर से जब आप ओपेसिटी लगा रहे हो तो ये होम पेज पे भी इफेक्ट करेगा, बराबर है। तो इसको मैं कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए ओपेसिटी, ओके ओपेसिटी को सॉरी PACKGROUND, और कलर मैं बोल रहा हूँ RGBA, ओके। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 0.00 और 0.5, ओके ऐसा कुछ चाहिए मुझे, और ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये सब निकाल दे रहा हूँ मैं। 0.5 लिख दिया मैंने, सेव किया, और देखिए और एक चीज़ सेव तो किया है आपने, लेकिन यहाँ पर ओपेसिटी लिखा है बट इसके अंदर होना चाहिए, मतलब इसके अंदर वाली ओपेसिटी बोल रहा हूँ मैं। अब मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं देखिए कुछ इफेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कुछ गलती है क्या हमारी, बैकग्राउंड कलर RGBA 000 और 0.5, एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है अंदर हम लोगों ने एब्सोल्यूट यूज़ किया है, उस वजह से शायद होता रहेगा, हो रहा रहेगा। ओके तो देखिए बैकग्राउंड तो अप्लाई हो रहा है बट अंदर जो है ना ओपेसिटी, मतलब सॉरी एब्सोल्यूट यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो है एब्सोल्यूट यूज़ हो रहा है इस वजह से। तो इसको भी आप एब्सोल्यूट चाहिए तो लगा सकते हो। देख क्या इसको करना क्या है, देखिए सिंपली यहाँ पर मैं बोलता हूँ पोजीशन लगा दो भैया एब्सोल्यूट, और इसकी विड्थ जो होगी वो 100% होगी, और हाइट होगी वो भी 100% होगी। अब देखिए आपका ओपेसिटी अप्लाई हो जाएगा, और इसका जेड इंडेक्स जो है वो हमेशा आपको 0 रखना है, ताकि सबके नीचे रहेगा वो, और ये आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, और देखिए आगे तक अप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो यह ओपेसिटी का पहले तो काम आपका हो गया है, यहाँ पर 39 मैं बोल रहा हूँ, 39 पे डाल दो, कहाँ पर है हमारा 39, ये वाला, ओके। और इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं अलग से, क्योंकि ये माई वर्क डॉट एच टी एम एल से जुड़ा है, और इसीलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। फुटर के बाद हम लोग लिखेंगे ओके माई वर्क सी एस एस, और यहाँ पर उसको डाल देंगे, मैंने सेव कर दिया, और देखिए आपका काम हो गया। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ठीक है अच्छी बात है, ये सब कुछ बराबर दिख रहा है, लेकिन हमें टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखिए अबाउट मी है, अब अबाउट मी के लिए भी ये वाला फॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुद का फॉन्ट मुझे यूज़ करना है, बराबर। तो यहाँ पे स्लाइड हेडिंग ऑलरेडी है, H1 लिखा है आपने, तो यहाँ पे मैं सिंपली हेडिंग वाला क्लास यूज़ कर सकता हूँ, और मैं सेव करता हूँ, तो देखिए हेडिंग वाला क्लास अप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर H1 है, ओके तो इसको आप H2 भी कर सकते हो,
ओके, मैंने एच टू यूज किया है। अब देखिए एच टू के हिसाब से यहाँ पर दिखाई देगा, और एच थ्री की मुझे जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर पैराग्राफ अप्लाई हो रहा है, पैराग्राफ चाहिए मुझे, और ये बटन की भी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने सेव किया, और सेव नहीं, एक मिनट, यहाँ पर इसकी टेक्स्ट ही लगा देते हैं, जो भी टेक्स्ट है उसकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने सेव किया अभी देखिए, और सेव करने के बाद यहाँ पर वो सब कुछ दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा हो चुका है, अभी थोड़ा सा सी एस एस अप्लाई करते हैं पहले। मैं बोलता हूँ देखिए, अभी मेरे पास माई वर्क नाम से एक क्लास है, और इसको मैं बोल दूंगा एच टू, ओके। तो माई वर्क ओपेसिटी तो हो गया, चलो अच्छी बात है। ये माई वर्क ओपेसिटी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए होम पेज पे वो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर उसको क्लास मिलेगा ही नहीं माई वर्क वाला, ठीक है ना, इसीलिए मैंने वो माई वर्क लेके लिखा है। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी है, तो ये ओपेसिटी ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ माई वर्क में क्या चाहिए मुझे, हेडिंग जो है मेरा उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा, सेव। और यहाँ पर देखिए वो वाइट हो जाएगा, और देखिए सेम आ रहा है जैसे रिकमेंडेड है, वैसे शर्मिला साठे दिख रहा है, इतना समझ में आ गया। और ये जो कलर है मिलता जुलता ही है, ठीक है, उसको चाहिए तो बाद में हम लोग सेट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ का कलर अप्लाई हो रहा है एक्चुअली वो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे अगर चाहिए पैराग्राफ में, मुझे पता है वो कलर क्या है, ट्रिपल ई वाला कलर है। सेव किया, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल ई का कलर हमें दिखाई देगा। देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आपको बता दूँ तो दिख रहा है आपको ई ई ई वाला कलर है, इस वजह से मैंने ये डाल दिया है यहाँ पर, और ये देखिए आपको दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। और इसके बाद अगर आपको स्पेसिंग चाहिए थोड़ी सी तो ये भी डाल दो, स्पेसिंग भी आ जाएगी। तो देखिए आपका मोबाइल वाला सेक्शन मुझे लगता है यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ करने की वैसे खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली शर्मिला साठे नहीं है, और एक चीज़ यहाँ पर जो है अबाउट मी है, तो देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ आप देखिए, और आपको वैसे करना है, ओके, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो इसको देखिए मोबाइल में हो गया, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ। अब देखिए जैसे जैसे आगे जाऊँगा तो ये जो आइकन दिख रहा है ना, ये 768 तक ही है, तो अगर चाहो आप तो 768 तक आपको ऐसा ही रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हो, और आगे जाके थोड़ा सा कम करना है, या फिर वहाँ इधर भी आपको अगर फुल रखना है तो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। 992 में भी अगर आपको रखना है तो भी आप रख सकते हो, 1200 में, लेकिन देखिए हमारा डिज़ाइन जो है ना, यहाँ पर मोबाइल नहीं दिया है हमें, हमें सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन दिया है, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से इसको हाफ करना है। तो मैं डिसाइड करता हूँ, चलो एक काम करते हैं, हम लोग 768 से ही इसको हाफ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये जो हाइट है इसको हाफ कर देंगे। अब ये हाइट मतलब क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये जो देखिए हेडर वाला जो है ना, यहाँ पर हाइट लगा के रखी है, ये देखिए 100 VH हेडर में, और ये हमारा अप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड कलर, अच्छी बात है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, माई वर्क को मुझे हाइट हाफ करनी है, मतलब ही यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हाइट 50 VH, आपकी मर्जी है, आपको जो लिखना है, जो हाइट देनी है आप दे सकते हो। और दूसरी चीज़ देखिए, जैसे मैं हाइट दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। पहले हम लोग इसको हाइट देंगे, ठीक है, तो हाइट कहाँ पर देनी है, देखिए 768 से देनी है, तो ये माई वर्क जो लिखा है ना, सिंपली 768 से आपको यहाँ पर हाइट देनी है। तो चलिए, तो माई वर्क आपको लिखना पड़ेगा नीचे जाके यहाँ पर डॉट माई वर्क, और यहाँ पर क्या करिए, हाइट दे दीजिए 50 VH व्यू पोर्ट हाइट, ओके, सेट हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, देखिए ये आपका ओपेसिटी वाला डिव है, राइट। अब 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले नन नहीं करेंगे, इसको स्टैटिक कर देंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने स्टैटिक कर दिया, तो देखिए ये अपना जगह पे जाके बैठ गया, ओके। तो इसको 2 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुझे 768 से ओपेसिटी जो है उसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक चाहिए, मतलब कुछ नहीं करे वो, सेम जो इनिशियली जो काम करता है वो करे बस, ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर स्लाइड हेडिंग वाला कॉलम है, ओके, और ये जो पहले काम करा है, मतलब होम पेज पे हम लोग ने इसको क्या किया था, देखिए यहाँ पर एक तो इसकी विड्थ 80% है, और यहाँ पर देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट दे के रखा है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, माय वर्क के लिए
इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, तो पहली चीज तो मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा। दूसरी चीज यहाँ पर, चलो स्टैटिक नहीं, एक काम करेंगे। ओके, इसको मैं फिलहाल ऐसे रख देता हूँ। एब्सोल्यूट की जगह, देखिए एब्सोल्यूट तो हम लोग एक्चुअली एब्सोल्यूट रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर लॉजिक कैसे मैं लगाता हूँ, अभी ये एब्सोल्यूट है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ओपेसिटी को पोजिशन स्टैटिक के बजाय हम लोग यहाँ पर रिलेटिव दे सकते हैं। ओके, जो हमने अभी स्टैटिक दिया था, देखिए रिलेटिव के वजह से ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला आ जाएगा, हमारा दोनों काम यहाँ पर हो चुके हैं। जो पहले एब्सोल्यूट ले रहा था वो हम लोगों ने रिलेटिव कर दिया, और रिलेटिव के वजह से ही अंदर आके बैठ गया, राइट। तो चलिए इसको रिलेटिव ही रखेंगे, अभी इसको मैं रिलेटिव रख देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक नंबर पीछे जाके ये आपका एब्सोल्यूट का ही काम कर रहा है। देखिए अभी भी ये जो ओपेसिटी है, और यहाँ पर भी देखिए ये भी एब्सोल्यूट का ही काम कर रहा है, सब कुछ बराबर है। इसके बाद अगर ये आगे जाता है 768 में, तो सिंपली ओपेसिटी को मैंने क्या कर दिया, रिलेटिव कर दिया, ताकि अंदर वाला जो एब्सोल्यूट है वो उसके बाहर ना जाए, मतलब ओपेसिटी के डिव के बाहर ना चला जाए। ओके, और उसके अंदर ही देखिए सब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगा के रखा है, ऑलरेडी लगा के रखा है, तो सिर्फ वो काम क्या करेगा, इसके अंदर जाके वो काम करेगा, दैट्स इट। और इसके अंदर कैसे जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, माई वर्क ओपेसिटी, तो माई वर्क ओपेसिटी के लिए ही वो लगेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको मैं अगर दिखा दूँ, अगर ऐसा आपको डाउट लग रहा है तो देखिए आपका, मैं रिफ्रेश करके बताता हूँ, देखिए होम पेज को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्लाइड हेडिंग, और यहाँ पर आपका ओपेसिटी का क्लास ही नहीं है, बराबर, तो इस वजह से यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये काम हमारा हो चुका है, देखिए यहाँ पर और ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, और अभी इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कुछ आपको और करने की ज़रूरत है, देखिए आपका पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। ओके, अभी सिर्फ आपको हाइट एडजस्ट करनी है, अगर चाहो आपको मान लो 1200 के आगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए, तो जाके आप यहाँ पर सिंपली ये जो हाइट है ये आप बढ़ा सकते हो, कि मैं 50 की जगह मान लो चलो 80 कुछ करना चाहता हूँ, तो 80 या 70 जो भी है जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो मैं मान लो चलो 1200 के आगे मैंने डिसाइड कर लिया, माई वर्क जो है इसकी जो हाइट होगी 70 VH, राइट। तो कहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया, 1200 के आगे, तो यहाँ पर जाके मुझे लिखना पड़ेगा बराबर। तो मैं बोलता हूँ चलो अच्छी बात है, माई वर्क हाइट कर दो भैया आप, क्या 70 VH कर दो। ओके, मैंने सेव किया। अब देखिए ये 1200 के आगे से इतनी हाइट लगा के देगा। अब एक नंबर मैं पीछे चलता हूँ तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, और 1200 के आगे कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। और इसी के साथ देखिए आपका ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये जो क्लिक वगैरह है वो जावास्क्रिप्ट बाद में देखेंगे, लेकिन ये मेनू हमारा सब कुछ रेडी है। आपको हाथ देखिए, आपने कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखा है, सब कुछ आपका होम पेज से आया हुआ है, मतलब होम पेज पे जितना CSS था वही ऑलमोस्ट हम लोग ने 80-90% तो वही CSS यूज़ की है, बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपेसिटी वगैरह डाला है और थोड़ा सा लॉजिक लगा के काम किया है देखिए यहाँ पर। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है, आपको जैसे काम करना है वो हिसाब से। ओके गाइस, तो देखिए इसी के साथ हमारा यहाँ पर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, वो अबाउट वाला जो है, सॉरी माय वर्क वाला जो है, ये सेक्शन पूरा हो जाता है, यहाँ पर पेज हमारा पूरा हो जाता है। ओके गाइस, तो अभी देखते हैं, अभी अभी तक मुझे, मेरे पास और पेजेस आए नहीं है। देखिए जैसे जैसे पेजेस आ रहे हैं वो हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पेज आएगा देखिए कॉन्टैक्ट वाला तो वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, और एक चीज़, ये माय वर्क जो है ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो चलिए वो भी एक बार कर लेते हैं। माई वर्क डॉट एच टी एम एल के अंदर जाके उसके लिए देखिए कंटेनर में ये यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ये जो क्लास है ना आपका, ये निकाल के आपके दूसरे एलआई में डाल देना है। सेव किया तो देखिए आपका माई वर्क वाला यहाँ पर दिखाई देगा, और इसी के साथ यहाँ पर आपका माई वर्क डॉट एच टी एम एल खत्म हो जाता है। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।